क्या मस्त प्लेस है ना। कल रात को आया था, कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन अब सुबह हुई, मौसम क्लियर हुआ तो समझ में आया कि केबल कार जा रही है उधर, उधर लोग हाइकिंग कर रहे हैं, इधर डोलोमाइट्स के पहाड़ दिख रहे हैं, इधर स्ट्रीम बह रही है, बहुत ही मस्त प्लेस है। मौसम खुला होना चाहिए बस आज, बहुत शानदार जगह है घूमने के लिए। वेदर प्रिडिक्शन तो सही नहीं था कल तक, अभी थोड़ा बेटर हुआ है और दिन की शुरुआत करते हैं, घूमते हैं थोड़ा आसपास ये वाला एरिया। नाम क्या है मैं बताता हूँ नीचे लिख के, और बाद में स्विट्जरलैंड की याद दिला रहा है लेकिन उसकी 1/3 रेट में। बिल्कुल स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है ये प्लेस। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं स्लोवेनिया से 2 दिन पहले निकला था, मेरा फर्स्ट स्टॉप था ये लेक मिसोरिनी, और वहाँ से कुछ 40 मिनट से दूर था सबसे क्लीन और सबसे पॉपुलर लेक ऑफ डोलोमाइट्स प्राक्सर वाइल्ड सी। और वहाँ से कल रात को मैं 1.5 घंटे ड्राइव करके पहुँचा इस एरिया में जिसका नाम है कोरवारा, जहाँ पे मैंने रात बिताई इस कैंपिंग ग्राउंड में। और अब दिन की शुरुआत करते हैं। केबल कार का सीन कुछ ऐसा है, यही पास से स्टार्ट हो रही है, उस पहाड़ के ऊपर जा रही है। तो आज सब ठीक रहा अगर वेदर तो ऐसा करेंगे, केबल कार से जाएंगे उस पहाड़ के ऊपर और फिर वहाँ से हाइक करके नीचे आएंगे। दिस इज कैपेचिनो विद अ व्यू। लेकिन यहाँ पिज़्ज़ा में दिक्कत आ रही है, सिर्फ मार्गरीटा पिज़्ज़ा ही ऐसा लगता है वेजिटेरियन होगा, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मार्गरीटा में कुछ ऑलिव्स वॉलिव्स डलवा के और वैसे करके खाते हैं। 1 मार्गरीटा पिज़्ज़ा, 1 कैपेचिनो, सॉरी नो कैप्रिसे, मार्गरीटा विद ऑलिव विद 1 कैपेचिनो। यस, इटालियन एक्सेंट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड एट द बिगनिंग। ओके, और एक और दिक्कत क्या है कि केबल्स कार खूब सारी है यहाँ पे, हर माउंटेन पे के सामने केबल कार है, फिर उधर अलग है। तो कौन सी वाली केबल कार करें वो फिर डिसाइड करना पड़ेगा। गूगल में भी ज़्यादा रिव्यूज में डिटेल्स में नहीं है। एंड कैन यू ऑल्सो टेल मी विच केबल कार इज द बेस्ट हियर टू टेक टू गो ऑन द माउंटेन? आया तो केबल कार करने था यार, लेकिन कुछ इवेंट चालू होने वाला है, आई थिंक साइकिल रेस चालू होने वाली है या मैराथन चालू होने वाली है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट होगा, आपको साइकिल का है कि रनिंग का है वो समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि मैं बता रहा था कि केबल कार ही केबल कार दिख रही है, तो इस एरिया में 65 केबल कार्स हैं यहाँ माउंटेंस पे, और उसमें से कुछ 15 है जो आज के दिन चालू है वेदर कंडीशन के हिसाब से। तो अब उनसे पूछते हैं कि मेरे सामने 3 केबल कार है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, कौन सा वाला करना चाहिए, वो फिर उनसे पूछते हैं और फिर करते हैं। So I want to take a cable car up there and I want to hike down from the up. So which cable car is the best for that? You want go up only with the cable car and then you want to go down? Hike down. You can go with this. But the view is a good view here. Good yeah, view. Yeah, it's, yeah. When you take also then the chairlift, okay. It's you can go here 20 minutes and here is the highest point of Corvara. Okay. And here is all of you. All the view. Yeah. 20 minutes, half hour and you came on this here. This is the height. This highest. Is the height. Okay. Yeah. ठीक है, तो ये बोई वाला लिया है जो कि यहाँ पे जाता है डोलोमाइट्स में कहीं पे पहाड़ पे। इस वाले येलो वाले में चलते हैं। तो 2 टाइप की केबल कार इंक्लूड होगी, एक तो आग ऊपर चल के चेयर कार और एक की येलो वाली, और टोटल मेरा हुआ है इसका कुछ 17 यूरो, 17.70, और उसमें ऊपर पहुँच जाऊँगा, 1 वे का टिकट है, और फिर नीचे आके हाइक करेंगे, ऊपर जाके हाइक करेंगे नीचे तक, कुछ 2 घंटे की हाइक है इन पहाड़ों के बीच में। क्या बिल्कुल गोल डब्बे वाली चेयर कार है इनकी, ये वाली मजेदार। अब मुझे बताना स्विट्जरलैंड में कौन सी केबल कार 17 यूरो में ऊपर लेके जाएगी। वहाँ पे स्विस ट्रेवल पास ले लो या कोई सा भी पास ले लो, 50-60 फ्रैंक से कम नहीं होता था,
और 80 francs होता था नॉर्मल जो रहता था विदाउट पास, सेम मजा आना है. तो डोंट एवर गो टू स्विट्जरलैंड, इट्स अ टूरिस्ट ट्रैप. इससे तो फिर इटली आओ, ऑस्ट्रिया आओ, ऐसे व्यू के साथ एंजॉय करो. सेम क्वालिटी है, जैसे यू कांट से कि स्विट्जरलैंड की केबल कार सब बेटर और एनीथिंग, या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो मैं बहुत हाइट पे आ गया हूँ, यहाँ से नीचे हाइक कैसे करेंगे. ऑलमोस्ट पहली वाली राइड तो खत्म होने वाली है. आजकल हर माउंटेन से ये चीज़ चालू हुई है, पैराग्लाइड बोल लो या टेंडम जंप बोल लो. तो दे आर गोइंग टू डू पैराग्लाइड फ्रॉम हियर. क्या मस्त भी होगा यहाँ से कूदने का. काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो कूद ही रहा है. वो थी केबल कार नंबर 1, उसका व्यू कुछ ऐसा है. और अभी केबल कार नंबर 2 पे ही चलते हैं. पहले यहाँ तो वापस हाइक करके ही आना है. ये केबल कार नंबर 2 जो कि वहाँ कहीं जाएगी ऊपर माउंटेन टॉप पे, एक हट भी है फिर ऊपर, वहाँ चलते हैं. ये वाली केबल कार थोड़ी सी अनसेफ लगती है दिखने में, बैठ के देखते हैं कैसी है. तो 12 यूरो था सिर्फ यहाँ तक आने का और 5 यूरो ऊपर और जाने का, टोटल 17 यूरो. 1000 रुपये हुआ 12 यूरो और 500 रुपये और 1500 में ऊपर. चलो एक डंडा तो है लगाने का. दिस इज मोर एडवेंचरस देन द लास्ट वन. और इतना हाइट पे भी एक मस्त सा लेक है, वहाँ भी चल लेंगे आते वक्त, रुक जाएंगे थोड़ी देर. ये हाइक का पार्ट है, बच्चे बच्चे भी हाइक कर रहे हैं. और गया, अगर सही बता रहा हूँ यहाँ ड्रोन होता ना ऐसे मस्त भी होते, लेकिन यहाँ मैं और एक बार और क्रैश कर देता उसको, ऐसा लगता है. बाय. तो फिर ये ऊपर का बंद कर लेते हैं और ऐसे उड़ जाता है. और यहाँ पे पैराग्लाइड का पॉइंट ये है, पता करते हैं कितने का है. क्या बोलते हैं, उड़ जाऊँ क्या, कौन हाइक करे, इससे ही उड़ के आ जाओ. ठंड बहुत है लेकिन हवा में, बुकिंग तो करी नहीं है, पता करते हैं. तो एक्चुअली वो नहीं है कि कराने वाले लोग नहीं है, सब करने वाले लोग हैं, खुद ही अपना लेके आए ऊपर और यहाँ से कूद रहे हैं सिंगल सिंगल ही. और मज़ेदार होता है दिखने में, करने में सब में. और दिक्कत ये है कि अब वहाँ से आ रहे हैं बादल और मौसम बदलने लग गया है, ठंड होने लग गई है और बारिश का भी देखना पड़ेगा. तो उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, कहीं बीच में अटक गए बारिश हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मोटी जैकेट भी पहननी पड़ेगी. अब उस हट पे जाने का भी एक ऑप्शन है कि वहाँ हाइक करके, ज़्यादा नहीं है तो कितना एक्चुअल में जाके पता पड़ेगा. बारिश चालू हुई है, वहाँ से बादल आया और उसमें
आई जस्ट होप कि पासिंग शावर ही हो, क्योंकि बहुत ठंड पड़ने वाली है अगर बारिश हो गई तो पहाड़ों में, फिर तो केबल कार से नीचे ही जाना पड़ेगा, हाइक नहीं कर सकते। तो ऐसा डिसाइड किया है कि हट पे तो नहीं जा रहा, नीचे हाइक करके जा रहा हूँ। कुछ एक घंटा लगेगा नीचे हाइक करने में, हट पे जाने में दिक्कत तो वही है कि फिर नीचे जाने में बारिश कभी भी आ सकती है। वहाँ तक पहुँचता हूँ जहाँ से रास्ता कटता है हट का, वहाँ फिर डिसाइड करता हूँ। ड्रोन होता ना तो मैं उस पहाड़ी के दोनों के बीच में से निकलता था जूप करते हुए। ड्रोन होता तो, और जब ड्रोन था, जब मैंने बोला था कि ऐसा पानी के पास से निकालूंगा ड्रोन, जूप करते हुए जूप गया पानी के अंदर। यहाँ भी ऐसे ही बिड़ता हो शायद। ड्रोन अपनी उसमें नहीं, हाथों की लकीरों में नहीं, आज के बाद कोई ड्रोन नहीं लेना मुझे, ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है, ऐसे ही देख लो दुनिया। वहाँ से स्टार्ट किया था, अब राइट जाना है तो नीचे, लेफ्ट जाना है तो हट पे। हाउ मच टाइम टू द हट? डाउन 5 minutes, सो अप मे बी 10। 10 minutes, आई विल ट्राई। बोल रहे 10 ही मिनट हट के लिए, तो चल ही लेते ना, यहाँ कौन सा वापस आ रहा हूँ लाइफ में। पहुँच गया हूँ हट पे, और मैं बताया था ये कुछ 2500 मीटर फ्रॉम सी लेवल है, ऑक्सीजन की कमी है। वो व्यू लेकिन बहुत ही अच्छा है, सांस नहीं आ रही। अगर यहाँ सनराइज होता है सुबह क्लियर स्काई में तो कुछ ऐसा व्यू होता है। हट पे आ गए हैं तो कैपेचिनो भी पी लेते हैं, हर दिन की 4 कैपेचिनो तो हो ही जाती है। और ये है वो फ्लैग्स जो लद्दाख में बहुत दिखे मैं अपने, इधर भी है इस व्यू के साथ। कॉफ़ी आधी ख़त्म हुई थी और वो ओले गिरने लग गए। अच्छा हो मैं हाइक नहीं कर रहा था, हट पे आ गया, ओलों से तो बच सकते हैं यहाँ पे। मेरी कॉफ़ी तो अभी के लिए तो रुक गई है बारिश, ओले 10 मिनट ओले गिरे थे, और निकलते हैं फिर इस हट को। चल हट बोलते हैं। कैपुचिनो पी ली, दिन की 4थी, अब फर्स्ट बेस पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना। ऐसे वाले हाइक कहाँ पॉसिबल थे, वाइफ के साथ करना है, या अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो सोलो ट्रैवल के अपने फ़ायदे भी होते हैं कि अपने टाइम के हिसाब से उठ गए, जब खुद को भूख लगी खा लिया, वीडियो बनाने के लिए 1 घंटा निकाल लिया बीच में। तो सोलो की ट्रिप्स की एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ऐसा हाइक नहीं कर सकते अगर ज़्यादा ग्रुप में आते हो तो। ऊपर हो रहा वो लेक जो कि केबल कार से दिख रहा था, जिसका नाम शायद ही है, 2200 मीटर की हाइट पे पहुंच गए हैं, इस लेक भी पहुंच गए हैं। अभी तक ऐसे कंफर्म नहीं है, लेकिन कल उधर के जो डोलोमाइट्स हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, उधर जाने का प्लान है।
और उधर कुछ केबल कार लेके उधर हाइक करेंगे मेरे ख्याल से उस डायरेक्शन में ही है गूगल मैप के हिसाब से। तो अब कितना आगे यहाँ से एक घंटे दूर बता रहा है, वहाँ चलेंगे। कब जाता हूँ कब पहुँचता हूँ वो नहीं पता, अभी नीचे जाके आगे का प्लान होएगा कि यहाँ पे इस वाले टाउन में और क्या करने का। ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा इस टाउन के बारे में, लेकिन इटली में फेमस है, सब लोग लोकल इटालियन ही आए हुए हैं। तो मुझे जहाँ तक मुझे पूरे ट्रिप में हार्डली 3-4 इंडियन दिखे होंगे, वो भी स्लोवेनिया में दिखे थे ज़्यादा, उसके अलावा जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ इंडियंस तो नहीं दिख रहे। वो रही वो हट जहाँ पे मैं था और वो केबल कार का स्टेशन फाइनल, बादल ही बादल में घिर गया है वो, और जल्दी ही बादल यहाँ भी आ जाएंगे। बारिश होना कंफर्म है, वो तो अच्छा हो, थोड़े बहुत ओले गिरे थे फिर रुक गया। तो एक काम करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा हाइक करके जाने में, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। यूँ बताए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यहाँ बेस बने थे उसको, ताकि ये कोई और कंट्री नहीं ले ले। फिर ये बताया कि 230 मिलियन ईयर्स पुराना है ये, और कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लाइमस्टोन जो बोलते हैं उसके पहाड़े ये सारे, और बहुत ही दिखने में मस्त हैं। तो अब 2 घंटे लगेंगे, वो है बेस, वहाँ कार खड़ी है कहीं, वहाँ पहुँचने में। तो नीचे पहुँचते हैं जल्दी ताकि दूसरी और कुछ एक्टिविटी प्लान करें। केबल कार से पहुँच जाएंगे 10 मिनट में, देखते हैं कितने लेते हैं वापस रिटर्न जाने के। बारिश चालू होगी जैसा एक्सपेक्ट किया था, अच्छा हुआ यहाँ पर हूँ मैं, कहीं ऊपर रास्ते में नहीं हूँ। तो ले लिया है रिटर्न का टिकट, कुछ 11 यूरो का पड़ा, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे यार सही है, वरना 2 घंटे लगते हैं। थोड़ा टाउन और एक्सप्लोर कर लेंगे 2 घंटे में। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। 3-4 केबल कार तो मुझे यहीं से दिख रही है, एक वो एक उधर जा रही है, फिर एक इधर भी है, और एक इन पेड़ के पीछे है। एक बेस से 5 केबल कार देखिए कहीं पर, कोई सा भी कहीं भी कंट्री में, मैंने भी कभी नहीं देखी। यही है वो जगह जहाँ से दिख रही है हर जगह से केबल कार निकल रही है, एक तो यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से भी जा रही है, ये इधर ये। खैर ये वाला हाईएस्ट था इस एरिया का, वहाँ गया, व्यू तो देखे मज़ेदार व्यू थे। कार उठाते हैं, कुछ मैराथन चल रही है उधर, वो देखते हैं क्या है, अपन भी भाग लेते हैं थोड़ा। वहाँ पे केबल कार से उतरा था, और ये इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ जो इंडिया में नहीं दिखती, आइस स्केटिंग है, यहाँ बहुत पॉपुलर होता है। और ये रही हमारी कार, ये भी व्यू के मज़े ले रही है। अब बैठ के आगे का प्लान करना है, किधर निकलना है, क्या देखना है इसको। वहाँ कहीं था मैं ऊपर, जब तो धूप नहीं आ रही थी, अब अच्छी धूप आई तो व्यू अच्छा दिखने लगता है।